नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक खूबसूरत सा बेबी स्वेटर बनाएंगे, जिसे हम तीन पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम इसका फ्रंट और बैक पार्ट बनाएंगे, दूसरे पार्ट में हम इसका आस्तीन बनाएंगे और थर्ड पार्ट में हम ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं। इसके लिए हमने 3 फोल्ड धागा किया है और 85 फंदे डाले हैं। 12 के मल्टीपल मेरी ये डिज़ाइन हो रहा है, तो 7 डिज़ाइन के लिए 84 फंदा और 1 फंदा एज के लिए तो हो गए 85 फंदे, 85 स्टिचेस। और हमने 4 लाइन उल्टा उल्टा बुना है, जिससे देखिए 2 फंदे, 2 लाइन की धारियां, उल्टे फंदों की 2 धारियां सामने से और 2 धारियां बैक से आ गई हैं। तो हमने फंदे डालने के बाद, 85 फंदे डालने के बाद 4 लाइन उल्टा उल्टा बुना है। अब 5वीं लाइन से हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। 5वां लाइन और सामने से, तो 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। फिर उन अपनी ओर करेंगे और 4 फंदे सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। फिर हम 3 फंदों का 1 करेंगे। इसके लिए पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में डालेंगे, फिर तीसरे फंदे में, और तीनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डिज़ाइन, फिर 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। फिर 5वें फंदे के दोनों साइड में हमें जाली देना है, तो उन अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, इससे जाली पड़ जाएगा। अब 4 फंदे सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। फिर 3 फंदे को एक साथ लेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में, फिर तीसरे फंदे में, तीनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब तीसरा डिज़ाइन, तो 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और अगले 4 फंदे सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। फिर 3 फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए 3 का 1। यहाँ पे हमने 5वें फंदे के दोनों तरफ जाली बनाया, 2 फंदा बढ़ा और यहाँ पे हमने 2 फंदे को घटा दिया, 3 का 1 किया, 2 फंदे को घटा दिया, तो हमारे फंदे बैलेंस हो गए। यहाँ पे हमारा तीसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। फिर हम 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। फिर उन अपनी ओर, 5वें फंदे के दोनों तरफ हमें जाली डालना है, तो उन अपनी ओर अगला फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर अगले 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। फिर 3 फंदों का हम 1 करेंगे। डिज़ाइन बहुत ही आसान और बेहद खूबसूरत है। फिर अगला डिज़ाइन, तो 4 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4। फिर उन अपनी ओर, 5वें फंदे के दोनों तरफ हमें जाली देना है, तो जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर, यानी हमारा जाली बन जाएगा, फिर 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। फिर 3 फंदों का हमें 1 करना है। अब नेक्स्ट डिज़ाइन, तो 4 फंदा सीधा,
दोनों तरफ हमें जाली देना है। एक फंदा हो गया, दो तीन चार, ये हमारा छठा डिज़ाइन होने जा रहा है। फिर तीन फंदों का हम एक करेंगे, छठा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब सातवां डिज़ाइन, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, पांचवें फंदे के दोनों तरफ हमें जाली देना है। तो उन अपनी ओर, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, लास्ट में दो फंदे बचेंगे तो दो का एक सीधा बनते हुए। तो स्टार्टिंग में भी हमने दो का एक किया और लास्ट में भी दो का एक, क्योंकि इसके बाद तो डिज़ाइन है नहीं, इसलिए यहाँ पे दो का एक रहेगा और बीच में हम तीन का एक करेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। डिज़ाइन सिर्फ सामने की तरफ से डलेगा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। हर लाइन में रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। डिज़ाइन सिर्फ सामने से ही बनेगा। डिज़ाइन बहुत आसान है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं और डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है। तो मैं रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन ले रही हूँ, फिर दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड से मैंने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये सातवां लाइन है तो दो फंदे को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। फिर पिछली लाइन में हमने चार फंदे सीधे बुने थे, अब तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब देखिए ये जाली है तो इसके पहले हमें जाली देना है, तो ऊन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा सीधा, यानी जाली से जाली तक हमें सीधा बुनना है, एक दो तीन। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा सीधा बुनेंगे। पिछली लाइन में हमने चार फंदे सीधे बुने थे, इस बार तीन फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो तीन। और अब देखें ये हम यहाँ पे हमें तीन फंदों का एक करना है, तो बीच वाले फंदे को हमें ऊपर रखना है, इसलिए पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले में, फिर तीसरे फंदे में, और इन तीनों फंदों को एक साथ लेकर एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब यहाँ पे एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब यहाँ से दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट होता है, तो तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर उन अपनी तरफ और तीन फंदा हमें जाली देते हुए सीधा बुनना है। उन अपनी तरफ यानी जाली पड़ेगा, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर उन अपनी ओर और फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। फिर तीन फंदों का एक करना है, पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में, फिर तीसरे फंदे में। इससे क्या होगा कि ये जो दूसरा फंदा है ये ऊपर आ जाएगा, ये फंदा मेन हो जाएगा। तो तीन फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक, यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब थर्ड डिज़ाइन, तीन फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर, फिर तीन फंदा सीधा, तीन फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर, फिर तीन फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर और फिर तीन फंदा सीधा, फिर तीन का एक। दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है, तीसरा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर उन अपनी ओर, देखिए जाली आ गया, तो जाली देते हुए तीन फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर, फिर तीन फंदा सीधा, फिर तीन फंदे का एक करना है, पहले दूसरे वाले में, फिर पहले वाले में, फिर तीसरे फंदे में, और तीनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा। यह हमारा चौथा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। फिर पांचवा डिज़ाइन, तीन फंदा सीधा,
फिर ऊन अपनी ओर, फिर देखिए जाली से जाली तक हमें सीधा बुनना है, एक दो तीन, फिर यहाँ पे हमें जाली देना है, ऊन अपनी ओर, फिर तीन फंदा सीधा। यहाँ पे घटते जाएंगे तो इधर जाली के बाद यहाँ बीच में फंदे बढ़ते जाएंगे और ये फंदा घटता जाएगा, तो फिर तीन का एक करेंगे। फिर नेक्स्ट डिजाइन, तीन फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर, फिर तीन फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर, फिर तीन फंदा सीधा, फिर तीन का एक करेंगे। ये हमारा छठा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। फिर अब सातवा डिज़ाइन, तो तीन फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर, फिर जाली से जाली तक तीन फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर, फिर तीन फंदा सीधा, लास्ट में दो फंदे बचे हैं तो सीधा बुनते हुए दो का एक, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। नाइन्थ रो और सामने से दो फंदे को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक दो। अब देखिए जाली आ गया तो ऊन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदा सीधा बुनेंगे, यानी जाली से लेके जाली तक, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे हैं, इन्हें हम जाली देते हुए सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब देखिए फिर जाली आ गया तो ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो, फिर तीन फंदे का हमें एक करना है, पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले, फिर तीसरे, तो तीनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से हम एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब यहाँ से हमारा दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट होता है, तो दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए पांच फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। देखिए जाली आ गया तो ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, एक और दो, फिर तीन फंदे का हमें एक करना है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब फिर तीसरा डिज़ाइन, तो दो फंदे का एक, दो फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली से जाली तक पांच फंदे हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए जाली आ गया तो ऊन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा, फिर तीन फंदे का एक करना है, यहाँ पे हमारा तीसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। इसी तरह हम बाकी चार डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, दो फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर, जाली से जाली तक पांच फंदे सीधा बुनना है, जाली देते हुए पांच फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर। अब देखिए तीन फंदे हैं तो दो फंदा हम सीधा बुन लेंगे जाली देते हुए, और इन तीन फंदों को हमें तीन का एक करना है। यहाँ पे फंदे घट रहे हैं और यहाँ पे देखिए जाली के पास, यहाँ पे फंदे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे फंदे घट रहे हैं। तो ये हमारा चौथा डिज़ाइन भी कंप्लीट होता है। इसी तरह इन तीन डिज़ाइन को भी हम बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। ग्यारहवीं लाइन और सामने से, तो दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली से जाली तक, यानी सात फंदे हम सीधा बुनेंगे, एक
दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। फिर उन अपनी ओर करेंगे और एक फंदा जाली देते हुए सीधा बनेंगे। फिर तीन फंदों का हम एक करेंगे, तो इस तरह हमारा एक डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब दूसरा डिज़ाइन, तो एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सात फंदा सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। अब उन अपनी ओर करेंगे और एक फंदा जाली देते हुए सीधा बुनेंगे। फिर तीन फंदों का एक करना है, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में, फिर तीसरे फंदे में। तीनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाना है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब तीसरा डिज़ाइन, तो एक फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर और जाली देते हुए सात फंदे सीधे। फिर देखिए जाली के पास आ गए, तो उन अपनी ओर करना है और एक फंदा जाली देते हुए सीधा बुनना है। फिर तीन फंदों का हमें एक करना है और यहाँ पे हमारा दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब तीसरा डिज़ाइन, एक फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर, फिर सात फंदे जाली देते हुए सीधे। फिर जाली के पास आ गए, तो उन अपनी ओर, एक फंदा जाली देते हुए सीधा। फिर तीन फंदों का हम एक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए एक, दो, तीन और चार, चार डिज़ाइन कंप्लीट हो गए। इसी तरह हम इन तीन डिज़ाइन को भी बुन लेंगे और बैक लूप से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो इतना कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। डिज़ाइन का 13वां लाइन और सामने से दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब देखिए जाली आ गया, तो उन अपनी ओर करेंगे और जाली से जाली तक यानी नौ फंदे हम सीधा बुनेंगे। जाली देते हुए नौ फंदा सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। अब उन अपनी ओर करेंगे और देखिए इन तीन फंदों को हमें सीधा बुनना है, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले में, फिर तीसरे में। तीनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए नौ फंदों को सीधा बुनेंगे। तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और नौ। फिर उन अपनी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को हम सीधा बुनते हुए तीन का एक करेंगे। बीच वाला फंदा ऊपर रहेगा, इसके लिए पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में, फिर तीसरे फंदे में सिलाई डालेंगे। दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। फिर उन अपनी ओर और नौ फंदा हम जाली देते हुए सीधा बुनेंगे। देखिए जाली तक हमने बुन लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को हम एक साथ लेके सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा तीसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। चौथा डिज़ाइन, उन अपनी ओर किया और जाली देते हुए नौ फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए जाली के पास हम आ गए, तो उन अपनी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को, जाली से जाली तक के तीन फंदों को हम एक साथ लेके तीन का एक करेंगे। यहाँ पे
फंदे घटते हुए एक फंदा हो गया और यहाँ पे फंदे बढ़ते हुए 9 फंदे हो गए। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इतना बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, मैंने लाइन कंप्लीट कर ली। रॉन्ग साइड से मैंने सभी फंदे उल्टे बुन लिए, लाइन कंप्लीट कर ली। अब देखिए इन्हीं 14 लाइनों को, ये 4 लाइन उल्टा उल्टा दोनों साइड से उल्टा उल्टा और फिर ये 10 लाइन का डिज़ाइन, इन्हीं 14 लाइन को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है। तो इन्हीं 14 लाइनों को ऊपर ऊपर दोहराना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 डिज़ाइन हमें बना लेना है और उसके बाद हम 4 लाइन उल्टा उल्टा बुनेंगे। यानी टोटल हम देखिए 14 लाइन का हमें डिज़ाइन है, 8 बार रिपीट करना है यानी 112 लाइन और उसके बाद 4 लाइन का ये दो धारी, 4 उल्टे फंदों की दो धारी, ये यानी 112 और 4 116 लाइन हम तैयार कर लेंगे। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आस्तीन बनाएंगे। चेस नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।